बंद होने वाला है। अंकल इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, जब मम्मी आएगी तो वो आपको कॉल कर देगी। बेटा आपको बस अपनी मम्मी का एटीएम कार्ड की कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन मुझे नहीं पता वो इन्फॉर्मेशन। बेटा आप अपनी मम्मी का एटीएम कार्ड तो लाना, रुकिए मैं लाती हूँ। ले आई बेटा। हाँ कल पूछिए, उस पे 16 डिजिट का नंबर होगा, उसे बताना 45 45 21 21 62 62 21 21 11 11 00 00। बेटा अब कार्ड के नीचे एक एक्सपायरी डेट लिखी होगी, उसे बताना वो क्या होता है। 4 डिजिट का नंबर होगा, बीच में एक स्लैश भी। हाँ हाँ 06 06 21 21। बेटा कार्ड के पीछे 3 डिजिट का नंबर होगा, उसे बताना 00 00 01 01। बेटा अब आपके फोन में OTP आया होगा, उसे बताना। हाँ एक मैसेज आया है, उस पे 6 डिजिट का नंबर होगा, उसे तो बताना। ठीक है 66 66 21 21 50 50। ओके गुड बेटा। श्रद्धा बेटा कर लिया होमवर्क? हाँ माँ बस थोड़ा रह गया। मैथ किस सब्जेक्ट में काम नहीं रखा? हिंदी में। अरे मेरे काम से तो पैसे कहाँ चल गए? हाय मैं तो लूट गई। श्रद्धा क्या तुमने कुछ छेड़ा मेरे फोन में? नहीं माँ किसी अंकल का फोन आया था बैंक से। फिर क्या बोला तुमने? कुछ नहीं बस आपके एटीएम के नंबर बताए। क्यों बताए? अरे माँ वो बोल रहे थे कि आपका एटीएम ब्लॉक होने वाला है। हाय रे बर्बाद कर दिया तूने, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ ये हाँ बैठिए। पानी लेंगे आप? नहीं सर मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। हाँ बताइए क्या हो गया है? सर मेरे फोन में बैलेंस कटने का मैसेज आया है, जबकि मैंने कोई लेन देन भी नहीं किया। अच्छा बैंक को इन्फॉर्मेशन किया आपने? नहीं सर मुझे लगता है मेरी बेटी की गलती के कारण हुआ है। क्या किया इसने? सर इसे किसी का फोन आया और इसने मेरे एटीएम की सारी इन्फॉर्मेशन उसे बता दी। कितने पैसे कटे आपके? 40,000। अच्छा तो अपना नाम बोलिए। सोना मिश्रा। अपना नंबर बोलिए। 9 6 9 6 9 0 9 0 2 3 2 3 8 7 8 7 9 7 9 7। सर पैसे वापस मिल जाएंगे? हम पूरी कोशिश करेंगे और हम आपकी कंप्लेंट साइबर सेल में भेज देंगे। ठीक है सर धन्यवाद। और मैडम आगे से ध्यान रखिएगा कि अगर आपके एटीएम कार्ड की इंफॉर्मेशन बच्चों तक ना रखें और आपको भी ऐसे कॉल आए तो आप अपने एटीएम कार्ड की जानकारी किसी के भी साथ शेयर ना करें। करते हुए आपको कुछ बातें याद रखनी है। बैंक का कोई भी कर्मचारी कभी भी अकाउंट होल्डर से फोन पर अकाउंट संबंधित जानकारी नहीं मांगता, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को फोन पर अपने अकाउंट संबंधित कोई भी जानकारी न शेयर करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP को किसी के साथ भी शेयर न करें। अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड व इंटरनेट बैंकिंग जानकारी किसी के भी साथ शेयर न करें। बैंकिंग संबंधित एप्लीकेशन को पासवर्ड से प्रोटेक्टेड रखें। मैसेजिंग फीचर्स को भी लॉक रखें। HTTPS प्रोटोकॉल वाली वेबसाइट का प्रयोग ही लेन देन के लिए करें।